हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कुकिंग एंड ब्लॉग्स। आज मैं मेरे गार्डन का कैसे साफ रखती हूँ, जो घर के बाहर मैंने छोटा सा गार्डन बना रखी हूँ तो उसको मैं कैसे साफ सफाई करती हूँ उसकी वीडियो बनाई हूँ आज। इसके लिए सुबह सुबह उठते ही मैं सुबह उठ के एक बार जाती हूँ देखने के लिए कि कोई कुछ गिरा ना दिए, कुछ नहीं। मेरे को अच्छा लगता है प्लांट्स, तो सुबह पहले उठ के मुँह धो के बाहर जाती हूँ। जब दरवाज़ा खोल के देखी, फिर एक झाड़ पे फूल आया था वो परजिता का लेने के। फिर उसके बाजू वाले प्लांट्स में ना वाइट वाला छोटे छोटे कीड़े हो गए थे, और मैं हफ्ते में एक बार इसको पूरा क्लीन ही करती हूँ। फिर मैंने सोची उसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी और इसकी वीडियो बनाती हूँ। इसलिए मैंने इसको क्लीन कर रही थी, वो वाइट कीड़ा हो गया, उससे देखे बहुत बुरा लगा कि वो क्या होता है ना, वो वाइट वाला कीड़ा अगर एक प्लांट्स को आ जाता है ना, फिर सारे प्लांट्स ख़राब हो जाता है। एक बड़ा वाला अपरजिता का प्लांट्स था, उस पर हो गया था, तो पूरे मैंने प्लांट्स ही निकाल के फेंक दी थी। फिर भी वो पता नहीं कैसे गिरा, उसके पास जो नीचे जो प्लांट्स थे तीन चार, सब में हो गए थे वो कीड़े। मैंने बहुत सारे उसका ब्रांचेस काट के तो फेंकी हूँ, फिर देखती हूँ अभी आगे नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर आप लोग को कुछ पता है इसके लिए क्या करते हैं, कुछ दवाई वगैरह, तो प्लीज़ बताना। मैं दिखाती हूँ आपको कीड़ा, और ये ना बच्चे लोग नीचे खेलने आते हैं तो कुछ भी खा पी के थैलियाँ उधर ही फेंक देते, और प्लांट्स रहता है तो झाड़ू वाला भी अच्छे से झाड़ू नहीं मारते उधर, क्योंकि उनको भी हटा के मारना पड़ेगा। तो वही हफ्ते में एक दिन मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। अच्छा लगता है प्लांट्स रखना, क्लीनिंग में टाइम तो जाता है, दो तीन घंटे तो इसमें चली जाती है अच्छे से करने के लिए, सेट करने के लिए, पर ठीक है, अच्छा लगता है जब ग्रीन ग्रीन दिखता है। तो मुझे ऐसा है ना, एक बार फूल नहीं आएंगे प्लांट्स में चलेगा, पर पत्ते मरना नहीं चाहिए, वो अच्छे से रहना चाहिए, और उसमें पत्ते भर हरे भरे दिखना चाहिए बस। ये देखिए ये वाला वाइट कीड़ा, ये पहले जासवंत के झाड़ पर होती थी, वो तो मैंने हटा दी थी, उसको साइड पे ही रखी हूँ अलग से, पर ये पता नहीं अपरजिता में भी हो जाता है बहुत जल्दी। और ये ठंडी के सीज़न में ना ये आते ही आते हैं प्लांट्स में, और ये एक बार आ जाते तो प्लांट्स भी सूख जाते हैं और दूसरे प्लांट्स भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ये देखिए सारे ये प्लांट्स ख़राब हो गया था, इसको सारे ब्रांचेस काट दी थी मैंने, और ये झाड़ मैंने कटिंग से लगाई थी। बताऊँगी किस दिन बहुत और एक डेढ़ साल हम उनके अच्छे से केयर करते, बाद में ये झाड़ सूख जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। ये मनी प्लांट्स भी मेरे पास से 6 साल से, इतने में से अभी बहुत बड़े बड़े हो गए, और एक अपरजिता सूख गया था, ये दूसरा अपरजिता का झाड़ है जो मैंने गांव से बीज लाई थी। हम एक मंदिर में गए थे, उधर बहुत बड़ा झाड़ था तो उससे और से बीज लाए थे, और अब इसमें ना रोज तीन चार फूल आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सुबह उठा तो फूल खिला रहता है इसमें। आज एक्चुअली ना मेरे को थोड़ा उठने में लेट हो गया और मैं सोई ही थी, मैंने झाड़ वाले को बोली थी कि उनको एक जासमंद का प्लांट्स लाने के लिए, तो वो लेके आ गए सुबह, तो मैं सोई थी, वो लगाने गए, फिर मैंने देखी ना तो उसमें कीड़ा हो गया था, तो पूरा मैंने सबको लेके बैठ के मैं बोला आज साफ करती हूँ, पहले उठ के बाद में घर के काम हो तो दिन भर हो ही जाएंगे। और अगर ये देखो कितने सारे उसमें से कचरे निकले, अभी अच्छे से उसको सेट करके रख दी थी। और ये वाला प्लांट्स भी मैंने इतना सा था जिनसे ली थी, उनके पास भी आधा सूख गया था, बोले गाय खा लिया था तो ऐसे था, तो मैंने वो प्लांट्स लेके आई थी और वो भी इतना सा था थैली में, आज वो देखो कितने बड़े हो गए। मेरे पास मनी प्लांट्स भी 3-4 तरीके के, ये थोड़ा येलो वाले हैं और एक बड़े पत्ते वाले हैं,
और एक ग्रीन ग्रीन कलर का छोटे पत्ते और थोड़ा अलग अलग है डॉट डॉट वाला है, तो चार पांच तरीके तो मनी प्लांट से है। ये वाले प्लांट्स को भी 3-2 साल हो गए, इससे भी 2 साल हो गए, और ये नया प्लांट से अभी लाए थे, अभी मतलब 2 महीना हुआ इसको ला के। मनी प्लांट तो बहुत बड़े लंबे हो गए, ऊपर से लगे हैं, और ये भी ऐसा बहुत सारा फैला हुआ था तो इसको थोड़ा नीचे से बांध रही थी, क्योंकि उससे अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा खुला खुला भी हो रहा था, उधर मिट्टी में पानी भी नहीं डालने भी अच्छा हो जाता है। और मैं उठ के आ गई थी इधर पौधे के इधर काम करने बाहर, तो और दोनों जन उठ गए थे, भाई बहन, वो दोनों भी ऐसे उठ के आ गए थे और इतना मस्ती करते हैं ना दोनों, हेड एज में डिफरेंस दोनों में 7 ईयर्स की है, तो भी एक बहुत झगड़ते बहुत। अभी तो उसको मैंने डांट दी तो उससे बहुत प्यार आ रहा है अभी। उसको कब से बोल रही हूँ जाके कपड़ा चेंज करके आ जाओ घर पे, भाई लेके जाएगा, पर वो जा ही नहीं रही थी। अभी वो साइड के सारा हो गया, महीने में एक बार तो एकदम डीप क्लीन करती हूँ, हफ्ते में एक बार अच्छे से झाड़ू मारती हूँ। डीप क्लीन मतलब जो पत्ते निकालना रहेगा, कोई पत्ते रहते हैं किसी को ट्रांसफ़र करना रहता है छोटे गमले से बड़े गमले पे, तो वो सर, और मैंने पहले हमेशा हर किस गमले में लगा रखे थे, फिर देखिए बहुत सारा फट जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर में बच्चे खेलने आते हैं बॉल से गिरता है ऐसा करके, फिर अभी मेरे को जो मिलता है घर के डब्बे भी ऑयल वाला कैन भी सब में मैं लगा रखी हूँ झाड़ू। और ये मैंने साइड में पानी में बॉटल्स में भी लगा रखी हूँ, तो उसमें से एक पता नहीं कैसे सूख गया था, तो उससे भी साफ कर रही थी। मुझे अच्छे लगते हैं इनमें टाइम देने में, इनको इनके केयर करने में प्लांट्स के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा बोल और मुझे क्या मतलब, हमारे घर में सबको अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड भी सुबह उठ के उनका पहला काम रहता है सारे पौधे को, मैं सुबह तो पानी डालती हूँ, वो सब में ना स्प्रे करेंगे सुबह उठ के पानी के, और संडे के दिन 2 टाइम करते, बाकी दिन तो मॉर्निंग में हर टाइम वो पहले उठ के उनका सबसे फर्स्ट काम चाय पी के वो प्लांट्स को स्प्रे पानी स्प्रे करने का रहता है। तो हम लोग को सब दोनों जन को ही पसंद है प्लांट्स को भर के रखे हैं, और ये एलोवेरा का इतना बड़े हो गए, इनको कब से सोच रही हूँ इनको निकाल कर लगाओ पर टाइम ही नहीं मिलता है। एलोवेरा तो बहुत अच्छा रहता है, चाहे उसको बालों में लगाओ फेस पे लगाओ, खाने के लिए हर चीज़ का फ़ायदा मंद है वो भी, बहुत सारे एलोवेरे भी है बहुत सारे, मतलब हर तरीके से, कड़ी पत्ते के है, लेमन के भी छोटे ही झाड़े, पर उसके पत्ते कभी कभी ऐसा छास वगैरह में डालते हैं ना, मसाला छास बनाते तो उससे भी बहुत अच्छी टेस्ट खुशबू आती है। और कड़ी पत्ता बहुत इमरजेंसी में मैंने निकालती हूँ, नहीं तो छोटी प्लांट है तो उसका नहीं निकालती हूँ, और कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी रहे तो भी निकालती हूँ। बीच में ना पम्पकिन का भी झाड़ हो गया था थोड़े बड़े, करेला का तो फूल और छोटे छोटे उसमें वो भी आ गए थे करेला, और ये नया प्लांट्स लाए थे उस दिन जासवंत की, और पता नहीं इसमें तो व्हाइट फूल आता है ये पता है, ये तो ऐसे सोफी से ये वाले पे भी आएगा कौन सा, जो लंबे पत्ते वाले हैं ना इस पे भी व्हाइट फूल आया है, मैंने दूसरे का झाड़ से देखी हूँ। और ये गुलाब बच्चे लोग ने गिरा के तोड़ दिए थे तो मर रहा था गुलाब, ये मेरे पास कप भी ख़राब हो गए थे तो मैंने उसको भी वेस्ट जाने नहीं दिया, उन पर भी प्लांट्स लगाई हूँ बहुत सारे। ये हैंगिंग वाला भी पता नहीं क्यों सूख रहा था तो उसको नीचे उतार के रखी हूँ, और मैंने स्नेक प्लांट एक से मैंने अभी उसमें 10 बना दी,
वो भी बहुत सारे है। देखो हैंगिंग में लगा रखो, मुझे लगता है ऊपर धूप कम आती है, मतलब ऊपर तक नहीं पहुंचती है धूप, इस वजह से एक हैंगिंग का सूख रहा था तो उसको नीचे उतार के रखी हूँ। और ये मनी प्लांट्स भी थोड़ा ऐसा करती हूँ, अभी दिवाली में इसमें लाइटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी दिखेगी। और वो स्पाइडर वाला भी, इसमें भी तुलसी मेरे पास छोटी वाली थी तो वो भी लानी है, तुलसी बड़ी वाली। और ये तो नया वाले प्लांट्स लाए थे, और ये सब ना बहुत पुराने, किसी प्लांट्स को 2 साल हो गए, किसी को 1.5 साल हुए, 1 साल हुए, सब ऐसे 2-3 ही है जो कि अभी 3 महीने पहले लाए, और 2 तो अब भी 1 हफ्ता पहले लाए तो वो 2 एकदम नए आए। ये देखो अगर मैं एक बार बाहर हूं ना तो इनको घर में बिल्कुल मन नहीं लगते, ये लोग भी 10 बार बाहर आते हैं। और आज तो इस पे लग गए थे प्लांट्स में, अभी 11 बज गया था और घर का कुछ भी काम नहीं, नाश्ता नहीं, कुछ नहीं। तो यही सब चल रहा था। आज तो मेरा फास्ट था पूर्णिमा, ये बहुत पुराना वीडियो है, मतलब 8 दिन लेट हो गया इस वीडियो बना के। शरद पूर्णिमा का दिन हम लोग में कुमार पूर्णिमा का वीडियो है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक से